महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, शिविर में बच्चों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है? जिसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और इन बच्चों को हमने विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं करवाई हैं, संकल्प करवाए हैं। इन बच्चों ने वो फॉर्म भरे हैं और पूरे साल भर तक ये जो अच्छे कार्य करेंगे उन कार्यों के लिए ये फॉर्म के अंदर टिक मार्क करेंगे। मैंने अपने जैन शिविर में अपने गुरुजी से बहुत कुछ अच्छे कार्य सीखा। हम ही सब बच्चों ने यह शपथ ली है कि हम कभी ऐसे चोरी जैसे गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत पाप लगता है और इस जन्म में या अगले जन्म में हमें अपने पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। महाराज साहिब ने हमें बहुत कुछ सिखाया इन दिनों में, जैसे 24 तीर्थंकरों के नाम, लोगोस का पाठ, समायक के पाठ और आदि। हमें सुबह उठकर पूर्व दिशा में 3 बार त्रिकुटों का पाठ करना चाहिए। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब जी के सानिध्य में 32 सेक्टर में यहाँ पर बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। महाराज साहिब से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मथे वंदा महाराज जी। आशीर्वाद। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, शिविर में बच्चों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है? यहाँ 32 सेक्टर के अंदर 3 जून से एक जैन संस्कार शिविर आरम्भ किया गया, जिसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। मैं तो यहाँ ये चाहती थी कि लुधियाना में सभी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े कॉन्शियस हों, लेकिन यहाँ माता पिता में थोड़ी जागृति कम मुझे दिखाई दी। उन माताओं को ये लगा कि भी घूमने फिरने का समय तो अभी मिला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि घर में अगर एक बच्चा भी सुधरता है, एक बच्चा भी जैन संस्कारों से परिपूर्ण हो जाता है तो घर के अंदर 4 चांद लगते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे आए हैं, हमने इन बच्चों के फॉर्म भरवाए हैं और इन बच्चों को हमने विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं करवाई हैं, संकल्प करवाए हैं। इन बच्चों ने वो फॉर्म भरे हैं और पूरे साल भर तक ये जो अच्छे कार्य करेंगे उन कार्यों के लिए ये फॉर्म के अंदर टिक मार्क करेंगे। और यहाँ के जो महामंत्री श्री नितिन जैन जी हैं, ये फॉर्म उनके पास जमा किए जाएंगे और साल के अंत में शिविर नेक्स्ट ईयर शिविर के आरंभ में इन बच्चों को अच्छी बातों के लिए मार्किंग दी जाएगी, इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए पारितोषिक भी रखा जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी इस प्रोग्राम को जो भी माताएं देख रही हों, जो भी भाई देख रहे हों, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़े कॉन्शियस हों। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पूरी ज़बरदस्ती के साथ, चाहे बच्चा बीमार भी है, फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, कारण कि स्कूल में फीस भरी है, ट्यूशन की फीस भरी गई है, तो वो पैसे बर्बाद ना हो तो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए बड़ा कॉन्शियस होता है। लेकिन ये जो जैन संस्कार शिविर जैन साधुओं के द्वारा लगवाया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ नहीं देना, लेकिन इसमें साधु साध्वी मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट तभी बहुत अच्छा आ सकता है जब माता पिता कॉन्शियस हों। ये जो उभरते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को हमने जो सिखाया, हमने इन बच्चों की आत्मा की भूमि में हमने ऐसे ऐसे संस्कार डाले कि जैसे
फास्ट फूड नहीं खाना, क्रोध नहीं करना, गाली नहीं देना, बड़ों का मान आदर करना, जिन अच्छी बातों को माता पिता केवल जस्ट एक बच्चों को कहते हैं और वो सोचते हैं कि बच्चे आज ही इस बात को फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे फॉलो नहीं करते। लेकिन जब हमने इनको विभिन्न स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से इनको सिखाया, तो इन बच्चों ने एक ही बार में इस बात को स्वीकार किया, संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम आपके सामने एक अच्छे जैन बच्चे बनकर उभर कर सामने आएंगे। महाराज जी, हम बच्चों से भी बात करना चाहेंगे, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ सीखा इन्होंने और सब, लेकिन ये जो क्लासेस है ये कब तक चलने वाली है? ये क्लासेस 11 जून तक चलेंगी और इस 11 जून को इन सभी बच्चों को 39 सेक्टर में जैन स्थानक के अंदर इनवाइट किया गया है। वहाँ सामूहिक प्रवचन होगा, उस सामूहिक प्रवचन में इन बच्चों का कंपटीशन भी रखा गया है, इनको विचार रखने का एक मौका दिया गया है और इन बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा। तो हम बच्चों से भी बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आशीष जैन है, पहले इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है और आपने अब तक क्या कुछ सीखा है? यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आशीष जैन है और मैंने अपने जैन शिविर में अपने गुरु जी से बहुत कुछ अच्छे कार्यों को सीखा। उनमें से एक विषय को मैं आप सबको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी ने हमें यह सिखाया है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और यदि हम चोरी करें तो हमें बहुत पाप लगता है और भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करते और हमारा नाम समाज में बहुत बदनाम होता है। और जो लोग ऐसे रिश्वत और पैसे देकर काम करते हैं, भगवान उन कामों को चोरी नहीं मानते हैं। इसलिए हम सब बच्चों ने यह शपथ ली है कि हम कभी ऐसे चोरी जैसे गलत काम नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीजन है। आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। मैंने इस शिविर में अपने गुरुजी से सीखा है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत पाप लगता है और इस जन्म में या अगले जन्म में हमें अपने पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो मेरा आपसे ये कहना है, आप किसी की हिंसा नहीं करिए, आप सभी अहिंसा के पथ पर चलिए। मीर, आपने क्या कुछ सीखा महाराज साहिब से, महाराज साध्वी जी से, और सबसे जो जैन धर्म के बारे में जो महाराज जी ने बताया, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महाराज साहिब ने हमें बहुत कुछ सिखाया इन दिनों में, जैसे 24 तीर्थंकरों के नाम, लोगोस का पाठ, समायक के पाठ और आदि। मैं ज़्यादा प्रचार करूँगा जैन धर्म क्या है। जैन धर्म वैसे कोई विशेष धर्म नहीं है, यह एक संस्कार है, आदर्श है। कोई मतलब जैन धर्म अहिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, ये किसी को मारता नहीं है, मरवाता नहीं है, किसी हर एक की तरफ शुद्ध भाव रखता है। हमने इसके बारे में जैन धर्म की ABC भी सीखी है और अहिंसा परमो धर्म के बारे में भी सीखा है और काफ़ी कुछ सीखा है। मैं इन सब चीज़ों को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इसके लिए मैं महान साध्वी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। जय जिनेन्द्र। तो विशेष जी, आपने क्या कुछ सीखा? मेरा नाम विशेष जैन है। मेरी तरफ से सबको जय सादर जय जिनेन्द्र। हमें सुबह उठकर पूर्व दिशा में 3 बार त्रिकुटों का पाठ करना चाहिए। हमें सबको जय जिनेन्द्र करना चाहिए। हमें माता पिता के चरण छूने चाहिए, इससे भगवान हमें आशीर्वाद देता है और हमारी बुद्धि अच्छी होती है। तो अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर उनके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। साध्वी जी जो हैं वो बच्चों को 3 जून से ही यहाँ पर ये शिविर आयोजित करी और बच्चों को सिखा रही हैं जैन धर्म के जो परंपरा है, संस्कार हैं, वो बता रही हैं। बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने जैन धर्म के जो संस्कार हैं सीखे हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम जो है वो सीखे, वो जाने। और इस तरीके से हम आपको दिखाएँ सबसे पहले कि ये जो बच्चे हैं सभी को 11 तारीख को 39 सेक्टर में कंपटीशन करवाया जाएगा, इनको इनाम वगैरह भी दिया जाएगा, बच्चों ने फॉर्म वगैरह भी फिल किया है। और ये जो
शिविर है ये 11 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा, और जो भी जैन समाज के लोग देख रहे हैं या फिर जो भी अपने बच्चों को जैन धर्म के संस्कार देना चाहते हैं वो यहाँ पर 32 सेक्टर में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ताकि उनके बच्चे भी जैन धर्म के संस्कार जान सके। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ नलिनी। काम दिया गया था, क्या काम दिया था? कौन कौन सुनाएगा स्टोरी? कोई तैयार करके आया? आप बच्चे तैयार करके आए? चलो फर्स्ट नंबर ये बच्चे स्टोरी सुनाएंगे। आपको ये माइक हाथ में लेना है, सुनो, आपको ये माइक हाथ में लेना है और फिर आपको स्टोरी सुनानी है, ठीक है? चलो पहला नंबर मयंक जैन, छोटे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। पहले जय जिनेंद्र बोल के फिर अपना नहीं माइक लो, फिर कहो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मेरा नाम मयंक जैन है। एक हाथी नदी दे किराने नहाने जांदा सी। रास्ते में एक दर्जी की दुकान आती है। दर्जी हाथी को कुछ ना कुछ खाने को देता है। एक दिन हाथी आया, दर्जी गुस्से में बैठा था। दर्जी ने उसकी सूंड पकड़कर सुई चबा दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ, वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। नहाने के बाद उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया और दर्जी की दुकान में दिया। शिक्षा, हमें जैसा करोगे वैसा करोगे, हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बोलो हर शहर से। जय जिनेंद्र, मेरा नाम विशेष जैन है। एक बार की बात है, श्री वासुदेव अपने महल में संगीत सुन रहे थे। संगीत सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। उन्होंने अपने शैया पालक को बोला कि जब मैं सो जाऊं तो संगीत बंद कर देना। शैया पालक संगीत में इतना लीन हो गया कि उसे संगीत बंद करने का याद ही नहीं रहा। जब श्री वासुदेव अपनी नींद से उठे तो उन्होंने संगीत चालू पाया। उन्होंने अपने सेवक उनको देखकर ये बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि जाओ और शैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डाल दो। शैया पालक बहुत गिड़गिड़ाया पर श्री वासुदेव ने उसकी एक ना सुनी। इसीलिए वो तड़प तड़प के मर गया। अगले जन्म में श्री वासुदेव महावीर स्वामी बने और शैया पालक ग्वाला। अब जो श्री वासुदेव ने पिछले जन्म में कर्म किए थे उन्हें इस जन्म में ये भुगतने ही थे। तो एक दिन ग्वाला ने श्री महावीर स्वामी को बोला कि तुम मेरी गायों का ध्यान रखो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। जैसे ही ग्वाला गया, महावीर स्वामी अपने ध्यान में लीन हो गए। जब ग्वाला वापस आया तो उसने महावीर स्वामी से पूछा कि मेरी सारी गायें कहाँ हैं। महावीर स्वामी कुछ नहीं बोले क्योंकि वो ध्यान में लीन थे। ग्वाला को बहुत क्रोध आया और उसने बड़ी बड़ी कील महावीर स्वामी के कानों में ठोक दी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान जो कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। मेरा नाम पीहू जैन है। आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था, वह बहुत ही लालची था। उसके पास एक मुर्गी भी थी, वह सोने के अंडे देती थी। वह सारे सोने के अंडों को लेकर बाजार में बेच आता था। एक दिन आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुर्गी को मारकर सारे सोने के अंडे लेकर बाजार में बेचूं। ऐसा करने से लाखों करोड़ों में मेरा नाम होगा। और जैसा ही उसने सोचा, उसने सोचते ही मुर्गी को मार दिया। जैसे ही उसने देखा, वो हैरान ही रह गया कि उसमें से एक भी अंडा नहीं निकला। वो रोने लगा। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने ऐसा काम दोबारा ना करने का वादा किया। शिक्षा, हमें अपने लालच के कारण किसी को मारना नहीं चाहिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम स्नेह जाना है।
बहुत समय पहले दो भाई एक घर में रहते थे। छोटे भाई को भगवान पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि भगवान उसे मुश्किल समय पर ज़रूर बचाने आएंगे, लेकिन बड़े भाई को ये सब अंधविश्वास लगता था। वो छोटे भाई को कहता था, तुम इन चीज़ों पर मत विश्वास रखा करो, ये सब अंधविश्वास होता है। एक दिन वो जंगल में खेलने गए। उन दोनों का गलती से पैर स्लिप हो गया। उन्होंने बचने के लिए पेड़ की लड़ी को पकड़ लिया। छोटे भाई नवकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि तुम नवकार मंत्र क्यों पढ़ रहे हो, मरना तो दोनों नहीं है। तो बड़ा भाई पेड़ की लड़ी टूट गई और बड़ा भाई गिर गया। छोटा भाई को भगवान ने बचा लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और मुश्किल समय पर हमें नवकार मंत्र पढ़ना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम श्रेया जैन है, मैं 5वीं B में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक सोने की मुर्गी थी जो उसको हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इस मुर्गी को मार दूँ, मेरे पास तो बहुत अंडे हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें बेच के एक दिन में बहुत पैसे कमाऊँगा। उसने जब मुर्गी को मारा, उसने देखा कि बीच में तो कुछ भी नहीं है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगा। सीखा, हमें कभी किसी को मारना नहीं चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं साक्षी सिक्स्थ येलो में पढ़ने में वाली आपको एक कहानी सुनाने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है पावर ऑफ नवकार मंत्र। एक बार एक लड़का अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसके पिताजी उसके पास आए और उससे कहा कि तुम अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो। तभी वो कह उसके पिताजी उसको एक मंत्र बताते हैं। तो स्कूल एग्ज़ाम के दिन वो एग्ज़ाम से पहले वो मंत्र पढ़ता है। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ रहे थे। तो वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक महामंत्र बताया था, मैं वो पढ़ रहा था, उससे सारी शानियाँ दूर हो जाती हैं। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो कौन सा मंत्र है। वो बताता है कि नवकार मंत्र। तभी वो उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तो वह अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे दोस्त नवकार मंत्र का मजाक बना रहे हैं। तो उसके पिताजी उसे एक पारस पत्थर देकर कहते हैं कि तुम इस पत्थर को एक टेलर के पास लेकर जाओ। तो वह कहता है कि वह पत्थर उस टेलर के पास लेकर जाता है। तो वह उससे उसकी कीमत पूछता है। तो वो कहता है, मैं इससे बहुत अच्छे बटन बना सकता हूँ। तो वह उसको 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भला कोई इतना पैसा क्यों दे सकता है। तो वह उसके पिताजी उसको बेचने के लिए मना कर देते हैं। वह उसके पिताजी कहते हैं कि तुम इसको एक सुनार के पास लेके जाओ। तो वह उसको एक सुनार के पास लेकर जाता है। तो वो उसको देखकर कहता है, मैं इससे अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज बना सकता हूँ। तो वह उससे उसको 10 लाख देने के लिए कहता है। वह अपने पिताजी के पास भाग कर जाता है और उनसे कहता है, हम बेच देते हैं, वह सुनार हमें 10 लाख दे रहा है। उसके पिताजी उसको मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम यह पत्थर यहाँ के राजा के पास लेकर जाओ। वह पत्थर वो वहाँ के राजा जी के पास लेकर जाता है। तो वह उनसे उसकी कीमत पूछता है। वह उसको देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मैं तुम इस पत्थर के बदले तुम्हें पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। फिर वह अपने पिताजी के पास जाके पूछता है, भला वह राजा इतना अपना राज्य देने के लिए क्यों तैयार हो गया है। वो कहता है कि ये पारस पत्थर है, इससे हम किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं।
इसी तरह नवकार मंत्र भी एक पारस पत्थर की तरह है, इससे हम हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वह कहते हैं कि अपने पिता अपने दोस्तों को बताओ कि ये नवकार मंत्र से हम हर चीज़ हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शिक्षा नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम हर कठिनाइयों को दूर पार करके आगे जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबको। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम मुस्कान जैन है। मैं आप सबके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बिच्छू और संत। एक बिच्छू होता है, बिच्छू का स्वभाव बहुत उग्र होता है, उसका काम सबको मारना होता है, लेकिन संत का स्वभाव बहुत शांत होता है, वह सबका कल्याण करते हैं। बरसात का मौसम था, एक बिच्छू तेजी से नाले में बहता चला जा रहा था। संत ने उसे देखा और संत ने उसे अपने हाथ से बाहर निकाला। बिच्छू का स्वभाव उग्र होने के कारण उसने संत को डंक मारा और डंक मारकर नाले में गिर गया। संत ने फिर बिच्छू को बाहर निकाला, अपने हाथ से बाहर निकाला। बिच्छू ने फिर संत को डंक मारा। ऐसा 2-3 बार और हुआ। पास में ही एक वैद्यराज का घर था। वैद्यराज संत को देख रहे थे। वैद्यराज दौड़ते हुए आए और उन्होंने एक डंडे के सहारे बिच्छू को दूर फेंक दिया। वैद्यराज ने कहा कि आप तो जानते हैं बिच्छू का स्वभाव सबको मारना होता है, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत ने कहा, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूं? शिक्षा, हमें विश्व परिस्थितियों में अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को। मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आशवी जैन है और आज मैं आपको श्री गज कुमार मुनि की एक कहानी बताऊंगी, जो श्री कृष्ण भगवान के भाई थे। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थे, उनको जो भी देखता वह उन्हें देखता ही रह जाता। जब वह बड़े हुए तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब इनकी सगाई कर देनी चाहिए। उन्होंने बहुत सी कन्याओं से उनकी सगाई कर दी। फिर वहीं पर उनका हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का समोशरण भी था। सभी लोगों ने सोचा हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, इसलिए वह नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने चले गए। तब गज कुमार मुनि भी अपने रथ में बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने नेमिनाथ भगवान को वंदन किया और श्री कृष्ण भगवान के साथ जाकर बैठ गए। तब हमारे नेमिनाथ भगवान हमें जन्म और मरण के इस चक्र से कैसे निकला जाए ये समझा रहे थे। उन्होंने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान पाकर ही हम इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। गज कुमार मुनि को लगा, शायद ये नेमिनाथ भगवान मुझे मोक्ष ले जाने ही आए हैं। उन्होंने अपना राज दरबार सब त्याग कर दीक्षा ले ली। उन्होंने जिन कन्याओं के साथ सगाई की थी उन्होंने सोचा हम भी दीक्षा ले लेंगे। उन्हीं से एक कन्या साथ ही राज्य की सोमा महाराज की पुत्री थी। उनको यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा यदि गज कुमार मुनि को दीक्षा ही लेनी थी तो उन्होंने मेरी बेटी से सगाई क्यों की, और मेरी बेटी को बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा। जब गज कुमार मुनि रात को तपस्या में मगन थे तब वे आए, सोमा महाराज आए। उन्होंने मिट्टी उनके सिर पर लगाई और उसमें अग्नि जला दी। उनका सिर बहुत ही जलने लगा, उनका पूरा शरीर जल गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, जो जल रहा है वह तो शरीर है, मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। इसलिए उन्होंने बिना कुछ गुस्सा किए वह ध्यान में लगे रहे। फिर उन्हें केवल ज्ञान हो गया और फिर मोक्ष। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और समता भाव से अपने दुखों को सहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम निर्वाण जैन है। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है सबसे खुश नसीब कौन। एक दिन एक कौवा पेड़ पर बैठा था। वह हंस को देखकर सोचता कि ये हंस तो कितना गोरा है, ये कितना खुश नसीब है और मैं कितना काला काला हूँ।
तो वो हंस के पास गया। वो हंस से कहता कि तुम कितने गोरे हो, तुम तो सबसे खुश नसीब हो। हंस कहता, मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे खुश नसीब हूँ, पर जब मैंने तोते को देखा तो मुझे लगा कि वो सबसे खुश नसीब है, क्योंकि उसके पास दो रंग हैं। तुम तोते के पास जाओ। तो कौवा तोते के पास गया। कौवा तोते से कहता, तोते भैया, आप कितने खुश नसीब हो, आपके पास तो दो रंग हैं। तोता कहता, मुझे भी लगता था कि मैं सबसे खुश नसीब हूँ, पर जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा कि वो सबसे खुश नसीब है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सुंदर रंग हैं। तुम मोर के पास जाओ। तो कौवा मोर के पास चिड़ियाघर में गया। कौवा मोर से कहता, मोर भैया, तुम सबसे खुश नसीब हो, तुम्हारे पास इतने सारे सुंदर रंग हैं, तुम्हें रोज़ हजारों लोग देखने आते हैं। तो मोर कहता, नहीं, मैं सबसे खुश नसीब नहीं हूँ, क्योंकि जो सबसे खुश नसीब होता है वो खुली हवा में घूम सकता है, मैं सिर्फ इस पिंजरे में कैद रहता हूँ। मैंने पूरे चिड़ियाघर की जांच की, तब मुझे पता चला कि कौवा सबसे खुश नसीब होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से खुली हवा में उड़ सकता है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जो हमें दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं रहते। जो सबसे खुश नसीब होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। धन्यवाद। सबसे पहले महासाध्वी सुशील कुमारी जी महाराज, महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज आदि थाने के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए आपके शरीर का सुख साता पूछता हूँ, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो मैं समीर आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका सारांश है, पाप के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। एक सुनी हुई कथा है। एक गांव में एक सज्जन रहता है। उस सज्जन के घर के सामने एक सुनार का घर था। उस सुनार के पास सोना आता रहता था और वह उसे गिड़ कर बेचा करता था, जिससे वह पैसे कमाया करता था। एक दिन उसके पास ज़्यादा सोना जमा हो जाता है। रात्रि में पहरा देने वाले सिपाही को उस बात का पता चल जाता है, जिसके बाद वह घर में घुसकर सुनार को मार देता है और जिस बक्से में सोना होता है उसको उठाकर चल देता है। इसी बीच सामने रहने वाला सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आता है। उन्होंने सिपाही को पकड़कर उससे बोलते हैं कि तू ये बक्सा लेकर क्यों कहाँ जा रहा है। तो सिपाही बोलता है, तू चुप रह, हल्ला मत कर, ऐसा कर कुछ तू रख ले और कुछ मैं रख लेता हूँ। तो वह सज्जन बोलते हैं कि नहीं, मैं तेरी तरह चोर थोड़ी ना हूँ जो किसी के घर चोरी करूँगा। तो वह सिपाही बक्सा नीचे रखता है और उस सज्जन को उल्टा ही पकड़ लेता है और ज़ोर से सीटी मारता है। सीटी की आवाज़ सुनकर आसपास के सिपाही भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में सिपाही बोलता है कि यह इस घर से ये बक्सा चोरी कर रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया है। जिसके बाद कुछ सिपाही उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि सुनार नीचे मरा पड़ा है, जिसके बाद वह उस सज्जन आदमी को राजकीय आदमियों के हवाले कर देते हैं। अगले दिन जज के सामने बहस होती है, जिसमें वह सज्जन कहता है कि मैंने उस सुनार को नहीं मारा, उस सिपाही ने मारा है। वैसे तो सारे सिपाही इकट्ठे थे, आपस में मिले हुए थे, जिसके बाद वो मिलके कहते हैं उसने ही मारा है, हमने खुद देखा था रात्रि में इसे सुनार को मारते हुए।
जिसके बाद जज उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। बाद में वह सज्जन व्यक्ति बोलता है, ये अन्याय है, मैंने हत्या नहीं की, फिर भी मुझे दंड मिल रहा है और जिसने हत्या की है उसे बेदाग छोड़ दिया जा रहा है, यह सरासर अन्याय है। उसके विचारों का जज के ऊपर असर हुआ और वह सोचने लगा, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। जिसके बाद अगली सुबह जज के सामने एक व्यक्ति आया जो कि रोता चिल्लाता कह रहा था कि मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जज ने उसके साथ उसी सज्जन व्यक्ति और उसी सिपाही को भेजा ताकि वो मरे हुए व्यक्ति की लाश ला सकें। जिसके बाद वह पहुंचते हैं, दोनों उस व्यक्ति की लाश को उठाते हैं। वह उस व्यक्ति की लाश खाट पे यानी कि मंजे पे रखी हुई थी, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था और खून बिखरा पड़ा था। साथ का आदमी सूचना देने के लिए आगे चला जाता है और वह दोनों पीछे चलते रहते हैं। तो फिर सिपाही उस सज्जन से कहता है, देख तू अगर उस दिन मेरी बात मान लेता तो तेरे को सोना भी मिल जाता और फांसी की सजा भी नहीं होती, देखा तूने अपनी सच्चाई का फल। तो फिर वह सज्जन कहता है कि तूने मारा है और फिर भी दंड मुझे मिल रहा है, फांसी हो गई तो हो गई, यह अन्याय है। पर खाट पर लेटा व्यक्ति असल में मरा नहीं था, वह चोट लगने के कारण बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया वो लेटा लेटा ही उनकी बातें सुन रहा था। बाद में जज के सामने पहुंचते ही वह उनकी सारी बात बता देता है, जिसको सुनकर जज हैरान हो जाता है और सिपाही को पकड़ लिया जाता है। पर अभी भी जज को संकोच हो रहा था। वह उस सज्जन व्यक्ति से बाद में मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस मामले में निर्दोष मानता हूँ, परंतु मुझे सच सच बताओ कि क्या तुमने इस जन्म में कभी हत्या की है। तो वह बोलने लगा, हाँ कुछ बहुत समय पहले की बात है, एक दुष्ट मेरे घर छिप छिप कर मेरी पत्नी से मिलने आया करता था, मैंने उसको खूब समझाया पर वो नहीं माना। एक रात वो मेरे घर आया हुआ था और मैं अचानक आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तलवार उठाकर उसका गला काट दिया और बाद में उसकी लाश को अपने पीछे वाली नदी में फेंक दिया। तो जज कहते हैं, हाँ देखो मैंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की, तो मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ से किसी निर्दोष के लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया, तो अब मुझे संतुष्टि है। अगले दिन जज कह देता है कि सिपाही को तो अलग फांसी होगी पर उस सज्जन व्यक्ति को भी फांसी होगी। उस सज्जन व्यक्ति ने सिपाही को पकड़कर अच्छा काम किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, पर उसे फिर भी फांसी होगी, क्यों ये फांसी उसके कर्तव्य पालन के लिए नहीं बल्कि उसने बहुत समय पहले एक हत्या की थी उसके लिए फांसी दी जा रही है। जिस कारण कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, दूसरों को मारने का नहीं। इस बाद में उन दोनों को फांसी दी जाती है शिक्षा कि जो भी हम दुष्ट कर्म करते हैं, चाहे तन से करें, मन से करें, विचारों से करें, अनजाने में करें, जाने में करें, उनका फल हमें इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता ही है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम ऋषि जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम की शक्ति। एक बारी एक द्वीप पर बहुत सारे लोग रहते थे। सभी लोग एकता बनाकर रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। कुछ देर बाद उस द्वीप पर
बहुत तेज तूफान आया, आंधी आई, समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्री जहाज पर चढ़ने लगे। तभी एक व्यक्ति अपने घर से बाहर आया। सभी व्यक्ति जहाज पर थे और जहाज निकलने ही लगा था। उनमें से एक व्यक्ति था प्रेम, जो अभी जहाज पर था। वह देख लेता है कि व्यक्ति नीचे है। उस व्यक्ति जो नीचे रह गया था उसका नाम अहंकार था। प्रेम उसको बचाने के लिए उतरा जहाज से और अहंकार को फटाफट भगा के लेके आया और जहाज पर चढ़ा दिया। इतने में तूफान आया, प्रेम तूफान के साथ आंधी के साथ बह गया और परंतु अहंकार जहाज पर चढ़ गया और बच गया। शिक्षा, अहंकार के कारण हमेशा प्रेम ही मरता है। धन्यवाद। मेरी ओर से सभी को जय जिनेंद्र। और मेरी कहानी का नाम है इंसान की कीमत। एक बार की बात है कि एक दुकान में एक लोहे का काम करता था एक व्यक्ति। उसके साथ उसका बच्चा भी काम करता था और उसके बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि इंसान की कीमत क्या होती है। तो उसका पिता बोला कि इंसान की कीमत बहुत बहुत होती है, उसकी कोई अंका नहीं की जा सकती। और फिर वो बोला कि इंसान की इज्जत कभी कम और ज़्यादा क्यों होती है। तो उसका पिता सोचकर बोला कि जैसे हमारे स्टोर रूम में एक लोहे का रॉड पड़ा है, उसकी कीमत कितनी होगी। तो वो बोला लगभग 300 रुपये। और फिर वो बोला कि अगर मैं इसके छोटे छोटे कील बना दूं तो उसकी कीमत क्या होगी। तो वो बोला कि सोचकर बोला बहुत टाइम लेकर बोला कि उसकी कीमत लगभग 1000 रुपये होगी। और फिर उसके पल्ले अब भी कुछ नहीं पड़ा था। और फिर वो लोहे अगर पिताजी बोले कि लोहे के अगर मैं घड़ी के स्प्रिंग बना दूं तो उसकी कीमत क्या होगी। तो बहुत टाइम लेकर बच्चा बोला कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत महंगा बिकेगा, लगभग 3000 रुपये में। और फिर इसी प्रकार उसका पिता बोला कि अगर हम जैसे काम करेंगे वैसे ही इंसान की कीमत होगी। शिक्षा, हमें अच्छे काम करने चाहिए, इसी तरह से हम भी अच्छे बन सकते हैं और हमारी कीमत भी अच्छी होगी। धन्यवाद। हिंसा करने से हमारे पाप बढ़ते हैं और हमें नर्क गति या फिर त्रयंच गति में जाना पड़ता है। हिंसा, किसी की भी हिंसा करने से या उसे दुख पहुंचाने से हमें भी अगले जन्म या इस जन्म में वही हमारे किए कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो ये माना जाता है कि हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड।